नमस्कार, मैं दीदी फौजदार। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा हेल्थ सेगमेंट सेहतनामा। आज हम बात करेंगे एंटी पिल्स के इस्तेमाल के बारे में। बोर्ड की परीक्षाएं बच्चों के लिए बहुत ज्यादा तनावपूर्ण होती हैं। तैयारी पूरी करने के लिए बच्चे रात रात भर जागते हैं। दिन भर स्कूल जाने और पढ़ाई करने के बाद रात को जगने में काफी तकलीफ होती है, इसलिए कई बार बच्चे कुछ दवाइयों की मदद से अपनी नींद को भगाते हैं, जिन्हें एंटी स्लीपिंग पिल्स कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं कि एंटी स्लीपिंग पिल्स होते क्या है। एंटी स्लीप पिल्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो ब्रेन स्टिमुलेंट्स होते हैं। इसके इस्तेमाल से नींद दूर करने और थोड़ी समय के लिए अलर्ट रहने में मदद मिलती है। इन दवाइयों में ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो नींद नहीं आने देते, जिस वजह से काफी देर तक जगने में मदद मिलती है। चलिए अब जानते हैं कि ये आपकी बॉडी को कैसे प्रभाव करता है। एंटी स्लीप पिल्स के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्रभावों के बारे में डॉक्टर्स बताते हैं कि इन दवाइयों का असर कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन इसका सेहत पर काफी लंबे समय तक असर पड़ सकता है। अब जानते हैं कि बिना डॉक्टर के परमिशन लिए इन स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज्यादा भारी भी पड़ सकता है। और आमतौर पर बताया जाता है कि जब इन स्लीपिंग पिल्स का असर खत्म हो जाता है, इस वजह से आपको बहुत ज्यादा थकान भी हो सकती है, चिड़चिड़ापन भी हो सकता है और कई बार याददाश्त जैसी कई समस्याएं भी सामना करना पड़ सकता है। अब जानते हैं कि इसके बचाव के तरीके क्या हैं। बच्चों को हमेशा 6 से 8 घंटे की नींद लेना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आपको अच्छे टाइम टेबल को फॉलो करना है और अपने हेल्दी डाइट को फॉलो करना है। नींद पूरी होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम सोते हैं तब हमारा दिमाग हमें जो भी याद किया हो उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजता है। नींद पूरी होने से अलर्टनेस और फोकस दोनों बढ़ता है, जिससे बच्चे एग्जाम में बेहतर परफॉर्म भी कर सकते हैं। इसलिए एंटी स्लीपिंग पिल्स लेने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, क्योंकि डॉक्टर्स बताते हैं कि एंटी स्लीपिंग पिल्स आपके लिए जरूरी फायदेमंद करेंगे या फिर आपके लिए नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और कितने मात्रा में आपको इनको लेना चाहिए और कितना जरूरी होता है एंटी स्लीपिंग पिल्स को अवॉइड करना। आज के लिए बस इतने। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी मीडिया के साथ। धन्यवाद।